चुनाव को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा के मैराथन दौरे, आज झुंझुनू, चूरू और अजमेर दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी साथ मौजूद रहे। झुंझुनू में क्लस्टर कार्यकर्ता और बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में जीत का मंत्र दें। झुंझुनू के राजघराना रिसोर्ट में क्लस्टर कार्यकर्ताओं कोर कमेटी की बैठक लेंगे। झुंझुनू से सीएम भजनलाल शर्मा, सीपी जोशी चूरू के लिए रवाना होंगे। दोपहर 2 बजे चूरू के द ग्राउंड शेखावाती होटल में कार्यकर्ता नेताओं की बैठक है। चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ लोकसभा सीटों की क्लस्टर कार्यकर्ता बैठक है। चूरू में 3 बजे तीनों लोकसभा सीटों के कोर कमेटी नेताओं की बैठक है। इसके बाद शाम 5 बजे जॉलीवुड रिजॉर्ट पुष्कर में बैठक है। अजमेर, नागौर की राजसभा लोकसभा की क्लस्टर कार्यकर्ता बैठक, शाम 6 बजे बीजेपी कोर कमेटी की बैठक लेंगे। क्लस्टर प्रभारी डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, डॉक्टर सतीश पूनिया समेत पदाधिकारी मौजूद रहे। सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी देने के लिए। ऐश्वर्य, जब कल आगाज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया जोधपुर पहुंचकर, तो फिर लग रहा था कि अब पूरे राजस्थान में उनके दौरे होंगे। अब बताइएगा, अब जो क्लस्टरों में पहुंच करके जायजा लेंगे, शुरुआत कैसे हो रही है आज और क्या प्लान है? देखिए, बड़ी बात यह है कि एक एक संभाग की बैठक पर फोकस रखे हुए हैं खुद मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष। एक एक संभाग की अलग अलग क्लस्टर बनाए हुए हैं, संभागवार क्लस्टर बनाए हुए हैं, उन क्लस्टरों की बैठक ली जा रही है। उस बैठक का उद्देश्य यह है कि कुछ बातें होती है संगठन की, जिसमें कहीं किसी की नाराजगी है या फिर संगठन कमजोर है या कहीं और फोकस किया जाना है, ऐसे विषयों को लेकर बातचीत होती है। और यही कारण है कि सारे जितने भी संभाग हैं या जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं, उनको निपटाने के बाद आगामी दिनों में जो नॉमिनेशन फॉर्म होंगे, जो नॉमिनेशन की सभाएं होंगी, उन सभाओं को भव्य तरीके से करने की एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी कोशिश ये भी करेगी कि आगामी दिनों में बड़े नेताओं के प्रवास हों, और बड़े नेताओं के जब राजस्थान में प्रवास हो तो बड़ी सभाएं हों, तो उस सभाओं में एक अच्छी भीड़ जाए, जिससे मनोवैज्ञानिक रूप से प्रतिद्वंदी पार्टी पर अपना एक संदेश दिया जा सके कि हमारे पास इतनी भीड़ है। इस तरीके से सोशल मीडिया टीम की भी इसी तरीके से बैठकें होंगी, इसी तरीके से मोर्चों की बैठकें होंगी, तो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी में चलेगा। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री खुद भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष, वो दोनों के दोनों बिल्कुल पूरी तरीके से जुटे हुए हैं और नियमित तौर पर उनके दौरे चल रहे हैं। हालांकि अब जो दूसरी सूची आनी है, उसकी प्रतीक्षा है कि दूसरी सूची में, क्योंकि दूसरी सूची में जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें सब में ही संशय जैसी स्थिति है ज्यादातर में, कि इनको दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ जातिगत प्रयोग, बदलाव जैसे प्रयोग करने पर भी कोशिश की गई है कि कुछ जातिगत बदलाव जैसे प्रयोग कर लिए जाए, लेकिन देखा जाएगा कि कितने प्रयोग होते हैं कितने नहीं। ठीक है ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।